हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लासेस चल रही हैं और उन्हीं सीरीज का आज पांचवा चैप्टर चालू है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टैब्स के अंदर। होम टैब हमारा क्लियर हो गया था, इंसर्ट टैब में मैंने आपको टेबल और इमेज क्लियर करा दिया था। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इलस्ट्रेशंस, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल्स एंड मीडियाज। तो फ्रेंड, इस टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर जो ग्रुप है इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कराता हूँ। क्लियर कराने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी क्लासेस का सबसे पहला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली और ब्लैंक स्लाइड लेते ही देखिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट में शेप्स। ये शेप्स के बारे में मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ, फिर एक बार से दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से किसी भी तरीके की कोई स्टाइल्स या कोई भी शेप्स को आप अपनी ब्लैंक स्लाइड्स में या फिर स्लाइड्स में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद इनको किसी भी तरीके से डबल क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर, किसी भी तरीके से कलराइज वगैरह, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। और इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं और जो इसमें लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा एंटर टू नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग बटन्स टाइप्स के भी बना सकते हैं, और इनको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैटर को जैसा बड़ा करते हैं, आपको पता है, टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, जैसे फॉन्ट का स्टाइल बड़ा किया जाता है कलर चेंज करते हैं, सेम एज इट इज़ है, इसमें आपको कुछ भी और नया नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी तरीके की कोई भी इमेज का स्टाइल से आप शेप से ले सकते हैं, इस तरीके की इमेजेस भी ले सकते हैं। कहीं पर इंडिकेशन मार्क्स करना हो तो उसके लिए क्लाउड्स टाइप्स के जो इमेजेस होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, और इसमें भी राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके कुछ भी मैटर इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी जो इंडिकेशन करना हो आपने वो कर सकते हैं इस तरीके से। और इनका स्टाइल्स चेंज करना हो तो डबल क्लिक करके, आपको पता है इसका फॉर्मेट स्टाइल आ जाता है, फिल कलर चेंज कर सकते हैं, मैं सब आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की कमांड पर जाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है एंटर टू नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको नेक्स्ट के लिए लिंक देना चाहूँ तो कैसे दूंगा, या सपोज दैट मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा ओपन फाइल। कौन सी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ उसके लिए लिंक देना है तो मुझे इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और आपने देखा होगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर क्लिक करना है और किस फाइल्स को इससे लिंक करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ अपनी पीपीटी की प्रीवियस फाइल के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ, या किसी इमेज के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैं स्लाइड शो पर जाऊँगा और ये स्लाइड आएगी, इसके ऊपर देख रहे होंगे आप एक लिंक आ गया है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये उसी इमेज को ओपन कर देगा जिस इमेज के लिए मैंने लिंक दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर का लिंक अगर आपने रिमूव करना है तो इसको पहले क्लोज कर लीजिए, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, अगेन एडिट हाइपरलिंक है, ओपन हाइपरलिंक है, कॉपी हाइपरलिंक है, रिमूव हाइपरलिंक है। अगर इसका लिंक कॉपी करके किसी अनदर जो आपका इमेजेस है उसके ऊपर, या जो भी आपका बॉक्स है उसके ऊपर, या किसी करेक्टर के ऊपर लेके जाना, किसी वर्ड के ऊपर लेके जाना, ले जा सकते हैं, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो इसको रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे। तो इसके ऊपर का लिंक अब आप देखेंगे दोबारा से तो इसके ऊपर कोई लिंक नहीं है, ठीक है फ्रेंड। आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, शेप्स किया, और शेप्स में देखिए आप ये बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे। जैसे कई बार आपने देखा होगा प्रेजेंटेशंस वगैरह चल रही होती हैं या कोई सेमिनार्स वगैरह होती हैं, उसमें नेक्स्ट स्लाइड के लिए यहाँ पर बटन बना हुआ होता है, पीछे आने के लिए भी बटन बना हुआ होता है। वो बटन्स एग्जैक्टली होते कहाँ से, देखिए इस तरीके से बटन बने होते हैं, ये है।
इस पर क्लिक करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए देना है तो नेक्स्ट स्लाइड, या इसको प्रीवियस बनाना तो प्रीवियस बना सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे जाना है इसे क्लिक करके, तो जो आप लिंक यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वही लिंक इसके ऊपर आएगा। यहाँ से शेप फिल ले लेते हैं आप, ये शेप ले लिया मैंने और इसको मैं कर लेता हूँ प्रीवियस के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है प्रीवियस स्लाइड्स के लिए। अब लाइक एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से नेक्स्ट प्रीवियस कर लिया, और इसके साथ साथ मैं एक क्या करता हूँ, एक शेप और ले लेता हूँ जिसको बोलते हैं होम स्लाइड। आप चाहें तो यहाँ पर होम स्लाइड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये होम स्लाइड के लिए ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्लाइड को हम बोलते हैं होम स्लाइड। ओके, ये होम के लिए हो गया, ये नेक्स्ट के लिए, ये प्रीवियस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें बिल्कुल लास्ट स्लाइड के लिए भी एक चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट स्लाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा, आगे या पीछे कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, एक शेप और ले लेनी है यहाँ से, और इसको क्या कर देते हैं आप लास्ट स्लाइड। ओके, तो आपने क्या किया, इसको लास्ट स्लाइड के लिए ले लिया। अब देखिए चालू कैसे होंगे, चलाते कैसे हैं इसको। जैसे ही आप स्लाइड शो करेंगे और आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो सारा का सारा मैटर है वन बाय वन क्लिक करके आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के लिए इस पे, और बैक आना होता तो आप क्या करते, प्रीवियस स्लाइड के लिए आप क्या करते, इस वाले को क्लिक करते हैं स्लाइड शो करके, प्रीवियस के लिए इस पे। आपको सबसे लास्ट स्लाइड पे जाना है तो इस पे क्लिक कीजिए। ओके, अब लास्ट स्लाइड पर आप सीधा आप होम का बना सकते हैं। वो बटन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किस बटन को कहाँ पर सेट करना है। जैसे मुझे ये क्या करना था, ये लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए, और ये क्या करना है मैंने कट कर लेना है, और ये मैं क्या करता हूँ लास्ट स्लाइड पे दे देता हूँ, ताकि मुझे क्या करना पड़े, यहाँ से जाता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ओके फ्रेंड्स, ताकि मुझे एंड ना करना पड़े, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँ यहाँ पर जाऊँ तो ये फिर से होम पे आ जाए। इस तरीके से आप स्लाइड में बटन्स इंसर्ट कर सकते हैं, किसके जरिए, इंसर्ट और शेप्स के जरिए। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्मार्ट आर्ट इसमें अलग अलग तरीके के शेप्स होती हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, इनके जरिए आप अपनी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से। इनको करके देखिएगा, अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी भी किसी भी फंक्शंस में डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चार्ट दोस्तों एनालिसिस करने के लिए बहुत बढ़िया यूज़ होता है, ऑफिशियली पावर पॉइंट में चार्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आप चार्ट पर जाएंगे, यहाँ चार्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है। जैसे सपोज दैट मैं पाई का चार्ट ले लेता हूँ, पाई के चार्ट को मैं इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला चार्ट ले लिया या ये वाला चार्ट ले लिया, ओके कर लिया, चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर होके आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चार्ट का डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की सेल यहाँ पर ले ली, और मैंने क्या कर दिया 2000, यहाँ 2500, यहाँ 3000। जैसे जैसे मैं डेटा चेंज करूँगा उसी तरीके से आप देखेंगे कि मेरे चार्ट में चेंजेस हो रही है। क्वार्टर में आप कुछ और लिखना चाहें, सेल्स की बजाय कुछ और परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखना चाहें या सेल्स रिपोर्ट लिखना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको डिलीट कर लीजिए क्योंकि ये एक्सेल शीट में है, एक कॉलम आ जाएगा, इसको मर्ज कर लीजिए, जैसे आपको बेटर लगता है उस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको डिलीट कर लीजिए, या इसको आप चाहते हैं इसी में लेकर के आ जाए तो इसको इसी में ले आइए, यहाँ पर कॉलम वन कॉलम टू करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप चाहते हैं इनको इजीली कर सकते हैं, और इसको जैसे ही आप कट करेंगे ये शीट यहाँ पर बन करके आपके आ जाएगी। इस चार्ट टाइप को अगर आप चेंज करना चाहें तो चार्ट का टाइप अभी भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मुझे इस तरीके का कॉलम टाइप का चार्ट चाहिए तो कॉलम टाइप का चार्ट बनकर आ जाएगा। अगर आपको चार्ट टाइप चेंज करना है लाइन टाइप का तो लाइन टाइप का चार्ट भी ले सकते हैं अभी भी आप। तो जैसे आपको एनालिसिस करने में बेनिफिट होता है या जैसे इजी लगता है वैसे आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि किस तरीके से हमने इजीली चार्ट का यूज़ किया। चार्ट आप जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं, शेप्स का इस्तेमाल कर लिया, स्मार्ट चार्ट का, स्मार्ट आर्ट का और चार्ट का। हाइपरलिंक यूज़ करके मैंने आपको बता दिया, आप हाइपरलिंक को एज अ लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने शेप बना करके दिखाई थी। आप चाहे तो विदाउट एनी शेप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं लिखे हुए मैटर में। जैसे मैंने वर्ड आर्ट क्लिक किया, वर्ड आर्ट से मैंने कुछ मैटर लिखा, मैंने लिखा एंटर न्यू नेक्स्ट लिख दिया। ओके, आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं या एंटर न्यू शीट लेना चाहते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं या ओपन फाइल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इससे भी इसको लिंक करा सकते हैं। कैसे, इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट से जाके हाइपरलिंक करना है, और जिस फाइल से इसको लिंक देना चाहते हैं
तो उसको आप क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके उसको फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर से आप अपनी उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ चैप्टर टू वाली पीपीटी फाइल्स पे जाना चाहता हूँ, मैंने इस ओपन को ही केवल लिंक किया है। अगर आप पूरे को सिलेक्ट करते तो पूरे को लिंक हो जाता, आपने केवल इसको सिलेक्ट किया तो इसको। अब देखिए आप जैसे ही इसको स्लाइड शो करेंगे, आप देखेंगे इस स्लाइड में यहाँ कोई लिंक नहीं है, इसके ऊपर लिंक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, टू की जो स्लाइड्स है वो ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं इसके लिंक को रिमूव करना तो सेम एज इट इज़ वही इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, या डायरेक्ट आप क्या कीजिए, एक्शन पे चले जाइए। और एक्शन पे जाने के बाद इसका हाइपर लिंक है ना इस फाइल के साथ, इसको रन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो एक्शन आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके अंदर और स्लाइड्स आपकी ब्लैंक है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से हेडिंग, सब हेडिंग कुछ भी लेकर के उसके ऊपर जो टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बाकी सब उसी तरीके से राइटिंग कर सकते हैं स्लाइड को बनाते समय जिस तरीके से आप नई स्लाइड लेकर के काम करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स आपका कंप्लीट हुआ। हेडर एंड फुटर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपने स्लाइड्स बनाई और आप चेक क्या चाहते हैं, जो स्लाइड्स आपने बना रखी हैं उन सभी स्लाइड्स पर आप हेडर और फुटर में नंबर, जैसे पेज नंबर देना चाहें, डेट एंड टाइम देना चाहें, फाइल का नेम देना चाहें, इजीली हेडर एंड फुटर के जरिए दे सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाता हूँ और फर्स्ट स्लाइड पर जाने के बाद हेडर एंड फुटर पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले स्लाइड के लिए हेडर यूज़ करता हूँ मैं। डेट एंड टाइम कैसे देना है मुझे, डेट यहाँ पर इस तरीके से मैं डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ हर स्लाइड्स पे, और फिक्स्ड अगर चाहिए तो इसी डेट के फॉर्मेट को लेगा। मुझे अपडेटेड चाहिए, डेली डेली अपडेट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये रही। स्लाइड नंबर मैं चाहता हूँ कहाँ पे, ये देखिए इस पर क्लिक करने ही करते ही यहाँ पर फुटर पे ये इम्पैक्ट होने लगता है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका पेज नंबर आएगा, स्लाइड नंबर फुटर पे ही आएगा। कुछ अलग से आप फाइल का नेम वगैरह देना चाहें या लिखना चाहें, चैप्टर फिफ्थ जैसे मैंने लिख दिया, तो आप जो भी टाइटल देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, वो भी इसमें इंसर्ट होकर के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई करेंगे तो एक ही स्लाइड पे आएगा, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अब आप देखेंगे सभी स्लाइड्स पे आपके फुटर पे वो सारी चीज़ें, देखिए चैप्टर आ गया, डेट आ गई और यहाँ पर पेज नंबर यानी कि स्लाइड नंबर आ गया। आप सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ये सभी स्लाइड्स पे आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हटाना चाहते हैं अगेन इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर एंड फुटर, हेडर से आपने डेट एंड टाइम हटा दिया, यहाँ से स्लाइड नंबर, फुटर हटा दिया और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी पे से देखिए इजीली हट जाएगा। आप स्लाइड नंबर क्यों नहीं हटा, शायद हो सकता है हम उसका टिक हटाना भूल गए, स्लाइड नंबर का टिक हटाना ही था इसलिए वो नहीं हटा। अप्लाई टू ऑल, ये देखिए आप सब पे से हट गया। इसी तरीके से आप चाहें तो फुटर के आइटम्स को भी दे सकते हैं, ये फुटर थी हेडर के आइटम को, नोट स्लाइड के अंदर हेडर दे सकते हैं, हेडर में आप जो भी देना चाहें, लेकिन ये नोट पे आएगा, ध्यान रखिएगा मुझे डेट देनी है इस तरीके के फॉर्मेट में और मुझे क्या करना है, हेडर पे पेज नंबर देना है। अप्लाई टू ऑल, अब ये किसी भी स्लाइड पर आपको ऐसे नहीं मेंशन होगा जब तक आप व्यू पे नहीं जाएंगे, और व्यू पे जाने के बाद आप क्या नहीं करेंगे, नोट पेज। अब देखिए नोट पेज पर यहाँ पर डेट आ गया और यहाँ पर हेडर, ये स्लाइड शो के अंदर नहीं शो करता, ये केवल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ व्यूइंग होता है, इसलिए आप हटाना चाहें तो नॉर्मल स्लाइड पर आ जाइए। फिर अगेन हेडर एंड फुटर, यहाँ से आप क्या करेंगे, नोट एंड हेडर्स, इसका टिक यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसका रिमूव, इसका रिमूव, अप्लाई टू ऑल। अब आप देखेंगे व्यू पर जा करके अगेन नोट पेज पे, तो वहाँ से वो रिमूव हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स मैं आता हूँ फिर से अपने उसी इंसर्ट के चैप्टर पे। इंसर्ट में हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट मैंने आपको बता दिया। जैसे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करा, एज इट इज आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, एज इट इज स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड, होम पे जाके न्यू स्लाइड से मैंने ब्लैंक स्लाइड ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर एक एक्सेल की शीट इंसर्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे इंसर्ट पे जाना है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, किसी भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस फॉर्मेट की आपको शीट चाहिए, लाइक मुझे एक्सेल की शीट चाहिए, और वो कौन सी शीट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप एज अ लिंक एक्सेल की शीट आ जाएगी। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे एज एन एक्सेल काम करेंगे, कोई भी फॉर्मूला आप लगाना चाहें या फॉर्मूला लगा सकते हैं। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर टोटल करना है, पहले मैं कुछ नंबर दे देता हूँ। अब एक्सेल में टोटल करने के लिए ऑटो सम ऑप्शन है, एंटर की प्रेस करेंगे, सम आ गया, बाहर क्लिक करते ही यह ऑटोमेटिक लिंक आ जाता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी एप्लीकेशन से उसको यहाँ पर फाइल्स को लेके आ सकते हैं। अगर आप उसकी एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन और है, लाइक आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन पे जाइए आप, यहाँ पर इक्वेशन के लिए पूरा ऑप्शन आता है आपके पास,
ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखनी थी और वो इक्वेशन इसके अंदर है, तो आप इंसर्ट पे जाइए, इक्वेशन पे जाइए, यहाँ बनी हुई इक्वेशंस होती हैं, इस तरीके की इक्वेशंस को आप यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, उस इक्वेशन में जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, एज इट इज़ आपको इक्वेशन चाहिए वो। अगर आप कोई मैनुअल चाहते हैं तो आप मैनुअल के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको चाहिए क्या, फंक्शंस टाइप्स के चाहिए, स्क्रिप्ट में चाहिए आपको, जैसे आपने लिखना है एक्स की पावर 2, आपने लिखा एक्स और पावर में 2, उसके बाद आप राइट में जाएंगे। अगर आपको नेगेटिव अमाउंट चाहिए, फिर आपको वाई की पावर 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से लेके चलेंगे, पावर वाले फंक्शन कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पर। अब आप क्या करते हैं, वाई पावर 2, फिर आप चाहते हैं इक्वल टू 10, इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, अगर आपको रूट के फंक्शंस चाहिए तो रूट के फंक्शंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस पे जाइए, ये रूट के फंक्शंस हैं। तो जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन आपको चाहिए, वो पूरा इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए हो जाता है, पूरा मैथमेटिकली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किसके जरिए, इक्वेशंस के जरिए। अब अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसमें कोई पैराग्राफ्स वगैरह लिखते हैं, लाइक मैंने एक लाइन लिखी, या मैं प्रीवियस किसी स्लाइड में काम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मुझे बुलेट्स की रिक्वायरमेंट थी, नंबर्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबर हटा लेता हूँ, या मुझे यहाँ नंबर चाहिए, मुझे बुलेट यहाँ चाहिए था, तो इंसर्ट पे जाना है, सैम्पल पर क्लिक करना है, जो सैम्पल आपकी रिक्वायरमेंट है इंसर्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे, वो सैम्पल आपको यहाँ पर इंसर्ट मिल जाएगा। अगर आपको किसी वर्ड के बीच में भी चाहिए तो आप उस सैम्पल को इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाके बिबडिंग एक ऑप्शन होता है, उसी से ही इसको मिलेंगे, सैम्पल का ऑप्शन होता है उसमें भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ना मिले कभी भी तो विंडिंग से एक ऑप्शन होता है, आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ दिखा देगा, बहुत सारे सैम्पल्स मिलेंगे आपको, उन सैम्पल्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कर्जर होगा उसी जगह आपका सैम्पल इंसर्ट हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है, हम अपनी स्लाइड्स में वीडियोज़ को लेके आना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक वीडियो लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंसर्ट पे जाना है, वीडियोज़ पे क्लिक करना है, और वीडियो के उस लिंक पे जाना है जहाँ आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, लाइक मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, इंसर्ट, ओके। अब वो वीडियो यहाँ पर आपके इंसर्ट हो जाएगा, सॉरी मीडिया करप्टेड फाइल दिखा रहा है, कोई अनदर मीडिया ले लेते हैं, लाइक मैं लोन ईएमआई कैलकुलेटर ले लेता हूँ, इस तरीके से वो आपकी स्लाइड में आ जाएगा। जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आप इसको यहाँ से प्ले भी कर हेलो सकते फ्रेंड्स, हैं। मैं मनोज, ठीक एक है बार फिर फ्रेंड्स, से आप सभी का स्वागत है। एस्केप मार के मैं बाहर को आ जाता हूँ। इसी तरीके से आप चाहो तो किसी भी स्लाइड के ऊपर आप साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे सिस्टम में साउंड नहीं है, तो मैं साउंड आपको इंसर्ट करके नहीं दिखा सकता, आप एक बार करके देख लीजिएगा, ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा करके इसको दिखा सकता हूँ। तो आज आपने होम टैब, इंसर्ट टैब दोनों कंप्लीट कर लिए। इंसर्ट टैब के अंदर एक ये फंक्शंस दिखाई दे रहा है, एम्बेड द फ्लैश जिसको बोलते हैं, मीन्स आप अपनी फाइल को पीडीएफ फाइल बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एडोब रीडर होना चाहिए तभी ये होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली फाइल से भी बना सकते हैं, फाइल में ऑप्शन होता है, मैं आपको प्रिंट कमांड जिस दिन बताऊंगा उस दिन इसको भी क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस, लिंक, टेक्स्ट, सैम्पल्स और मीडिया। उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ आई होंगी, और इसी तरीके से हमारी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। थैंक्स अलॉट।